देखिए 2017 से पहले अगर 20,000 से कम रुपए आप किसी पार्टी को डोनेट करना चाहते हो तो आपको कोई डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, आप पैसा लेके किसी भी पार्टी को दे सकते हो। क्योंकि ब्लैक मनी इन्वॉल्व थी इसलिए 90% डोनेशन कैश में ही कर रहे थे सब। आपने सुना होगा इलेक्शन के टाइम पे कभी कहीं कैश पकड़ा जा रहा है, कभी कहीं कैश पकड़ा जा रहा है, तो इससे नेताओं को कैश में डील करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड। गवर्नमेंट ने कहा कि इससे ट्रांसपेरेंसी होगी और ब्लैक मनी खत्म होगा। इसमें इन्होंने ये किया कि अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देनी है और वो 2000 से कम है तब आप कैश में जाके पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हो, लेकिन अगर 2000 से ज्यादा है तब आपको डिटेल देनी होगी। मान लो आपको अपनी फेवरेट पार्टी को 1,00,000 रुपए देने हैं तो आपको SBI बैंक में जाना होगा, वहाँ एक फॉर्म भरना होगा, आपके अकाउंट से 1,00,000 कटेंगे और आपको बॉन्ड मिल जाएगा और 15 दिन के अंदर आपको जिस पार्टी को वो बॉन्ड देना है आप उसको दे सकते हो। गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी बॉन्ड लेगा उसकी डिटेल्स उस बॉन्ड में मेंशन नहीं होगी और किसी भी पार्टी को नहीं पता चल सकता कि किसने किस पार्टी को बॉन्ड दिया है और कितना दिया।